इंदौर शहर में एक ही रात में 3 दिन पूर्व मुकेरीपुरा मस्जिद और डीआरपी लाइन के समीप बनी एक दरगाह और एमआईजी क्षेत्र में एक मस्जिद पर शराब की बोतल फेंकने के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल बम फेंककर शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर सोमवार को शहर काजी सहित मुस्लिम समाज के कई लोग पुलिस कमिश्नर के पास ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने पूरी घटना को निंदनीय बताते हुए पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि सीसीटीवी की फुटेज में जो व्यक्ति पेट्रोल बम फेंके हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ युवतियां भी शामिल हैं। शहर का बढ़ता हुआ नाइट कल्चर का माहौल इसके लिए शायद काफी हद तक जिम्मेदार है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात को मुस्लिम समाज के लोगों के सामने रखते हुए कहा कि वीडियो फुटेज में कुछ युवकों के साथ कुछ युवतियां भी शामिल है, जो कि शहर की फिजा को बिगाड़ रही है। इसको लेकर जल्द पुलिस को ठोस कार्रवाई करेगी। इसी के साथ पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का कहना है कि जल्द देश भर में त्योहारों की शुरुआत हो रही है, जिसमें मिलादुन्नबी और राखी जन्माष्टमी सहित दीपावली तक अब त्योहारों का ही मौका है, और यदि ऐसे में सौहार्द का वातावरण खराब होता है तो आने वाले समय में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हैं पुलिस कमिश्नर ने 3 DCP स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए लगाया। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सर, अमन पसंद शहर है, भाईचारे वाला शहर है, हम खिला के खुश होते हैं, मदद करके खुश होते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसों से कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं, जैसे MIG के अंदर मस्जिद के वहाँ पे शराब की बाटल फेंक गए, मोकेरेपुरे मस्जिद के यहाँ पे पेट्रोल बम फेंक गए, मज़ार को नुकसान पहुँचाया, कल सफ़ेद मस्जिद के यहाँ पे उन्होंने किया, और सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही है कि लड़कों के साथ में लड़कियाँ भी हैं, ऐसी हरकतें कर रही हैं, ये कि नाइट कल्चर की वजह से हो रहा है या सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, उसकी शिकायत हमने पुलिस कमिश्नर साहब से की है कि उनको आप डिटेक्ट करें, उनको जल्दी गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक ही रात में 2 धार्मिक स्थलों पे आग से और ज्वलनशील पदार्थ फेंक करके नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई थी। इसमें अभी फ़िलहाल उन आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है इस प्रकरण में, लेकिन एक बात ज़रूर सामने आई है कि संभवतः दोनों ही घटनाएं एक ही समूह ने की है। जो CCTV फुटेजेस का अभी अध्ययन किया गया है, उससे ये लग रहा है कि 4-5 युवक युवतियाँ युवती शामिल हैं। अभी इनकी पहचान शेष है। इस प्रकरण में DCP-1 DCP-3 की टीमें लगी हैं, उसके साथ DCP क्राइम स्वयं क्राइम की टीम से इन घटनाओं का की जांच करवा रहे हैं। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, ये अभी गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस मकसद से ये घटनाएं की गई हैं, कि या तो ये जनरली जो शराबियों के द्वारा की गई घटना है, या अन्य कोई किसी प्रकार की साजिश है, वो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। निश्चित ही अभी त्यौहार का पूरा जन्माष्टमी से लेकर के शुरुआत हो जाती है, तो इस इन त्योहारों के लिए आवश्यक है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और उसके लिए आवश्यक रहेगा कि इन आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए, क्योंकि निश्चित ही ये संभावना हमेशा रहेगी कि ये आरोपी पुनः फिर घटना करें, तो उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एक युवती जैसा एक CCTV के आधार पर लग रहा है, अब गिरफ्तारी की जब होगी तभी ये स्पष्ट हम कर उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।